गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का क्लास जो हम लोग का है, मेन का पार्ट टू क्लास होने वाला है, ठीक है। और इस पार्ट टू में पूरा मेन का जितने टाइप से क्वेश्चंस होता है वो सारे टाइप का क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाला है, आज 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। कंसेप्ट आप लोग का पूरा पूरा मेन का क्लियर हो चुका है, बस खाली क्या देखना है कि कॉन्टिन्यूस में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस चीज़ को सीखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मतलब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, 3 तक पार्ट 1 में हो चुका था, ठीक है। देखिए 4 में क्या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है यहाँ पे फाइंड आउट द अर्थमैटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको दिया हुआ है इससे आपको क्या फाइंड आउट करना, अर्थमैटिक मीन। तो इसमें डिफरेंट टाइप का क्या हो गया, देखिए जब क्लास का क्वेश्चन होता है तो जहाँ से एंड करता है वहीं से ओपन करना चाहिए, ठीक है। ओपन नहीं कर रहा है, देखिए तो 10 एंड हो रहा है, ओपन हो रहा है 11 से, डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है, क्लास को पहले अरेंज करना है, क्लास को पहले इक्वल करना है। तो आप यहाँ पे इस क्लास को विदाउट इक्वल किए भी आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप जब मीडियन और मोड ये सब का जब क्वेश्चन आप बनाइएगा वहाँ पर आपको क्लास इक्वल ही करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि अभी से ही हम लोग सीखते हैं क्लास इक्वल करना और क्वेश्चंस को क्लास में इक्वल करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर, देखिए क्या दिया हुआ, मार्क्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्क्स को हम लोग लिख देते हैं क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ, मतलब फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है। अब इसको अरेंज कैसे करना, देखिए कितना का डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट जो है 1 का डिफरेंट है और 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 0.5। इधर पहले 0.5 को लेस करेंगे, उसके बाद 0.5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रखिएगा इस साइड में मतलब लोअर लिमिट में 0.5 को ऐड करना सभी में और अपर लिमिट में 0.5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए जिसको या फिर बोल सकते लोअर क्लास और अपर क्लास, ठीक है, कि लोअर क्लास में 0.5 को लेस कर देना और अपर क्लास में 0.5 को ऐड कर देना। याद रखिएगा जब भी क्लास आपका इक्वल नहीं होगा 0.5 लेस कर दीजिएगा और इधर 0.5 ऐड कर दीजिए, ठीक। देखिए लेस कर देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 0.5 को लेस करेंगे तो 5.5, 10 में से ऐड करेंगे तो 10.5, यहाँ पे हो जाएगा लेस करेंगे तो 10.5, इधर हो जाएगा 15.5। क्या इसी प्रकार से आप लोग भी लिख लीजिए, 15.5, 20.5, 20.5 से 25.5 और 25.5 से 30.5, ठीक है। अब देखिए तो जहाँ से एंड हो रहा क्या वहीं से सब में ओपन हो रहा, हो रहा। फ्रीक्वेंसी लिखी है 20, 30, 50, 40 और 10। देखिए हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, तीनों में से कोई भी मेथड को यूज करके बना सकते हैं। लेकिन देखिए शॉर्टकट मेथड, हम हमेशा क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे क्योंकि शॉर्टकट मेथड से क्या है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो जाता है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यही शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इसका सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, ऐड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या हो गया यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी देख रहे हैं 5 का डिफरेंट, ऐड कर दिए 13, 18, 23 और 28। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे डी एक्स निकालना, एक्स माइनस ए करके डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड कर लेते हैं कोई नंबर, एज्यूम कर लिए हम 18, माइनस कर दिए 18 में से 8 चला गया तो क्या बचेगा, माइनस 10। यहाँ पे देखिए तो 13 में से 18 जाएगा तो माइनस 5052, क्लियर हो गया। अब क्या निकालना, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फटाक से लिखिए कितना आता है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाले का ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 300, माइनस वाले का ऐड कर देंगे माइनस 350, माइनस 50 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 150 आ गया, ठीक। अब फार्मूला पे पुट आउट कीजिए, ए का वैल्यू क्या है 18 प्लस एफ डी एक्स का वैल्यू माइनस 50 डिवाइड बाय एफ 150। अब आ गए यहाँ पे देखिए 18 प्लस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है क्या हो जाएगा माइनस 50 बाय 150, 0 0 कैंसिल, 3 टाइम में 1 बस गया, इसको डिवाइड कर देंगे क्या 0.33 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए 18 माइनस 0.33 आपके पास में बच जाएगा 17.67, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
क्लियर हो? यहाँ पे बस क्या था डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की क्लास इक्वलेंट था उसको अरेंज कर दे, ठीक, बाकी आपको आता ही है सॉल्व करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो हम लोग पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में क्या बोल रहा है, बोला मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर गिवन बिलो, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। आपको क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ और ये दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप में आखिर कैसी है, बस डिफरेंट टाइप इसी से बन गया वो, ठीक है। क्या बोल रहा, 10 से कम मतलब बिलो 10, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से कम मार्क्स जो लाने वाला स्टूडेंट है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। 20 से कम मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट जो है वो 17 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, क्लास निकालना। क्लास कैसे निकालना है, देखिए मोर देन हो या लेस देन हो उसमें क्लास कैसे निकालेंगे उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट 10 का है। 10 से कम बोला तो 10 से कम कहाँ तक चले जाए, 10 का डिफरेंट जहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से कम डिफरेंट कहाँ तक है, 0-10 का डिफरेंट हो गया, डिफरेंट 10 मैच कर गया यहाँ पे। अब देखिए आगे उसी प्रकार बोला 20 से कम, चलो भाई 20 से कम कहाँ तक, डिफरेंट कितना का, 10 का डिफरेंट है, 10 तक आ गया। उसी प्रकार से बोला 30 से कम, डिफरेंट कितना का है, 10 का है। आगे बोला 40 से कम, डिफरेंट कितना का है, 10 का है। नेक्स्ट में बोला 50 से कम, डिफरेंट कितना का है, 10 का है। नेक्स्ट में बोला 60 से कम, 50। क्लास हम लोग का निकल गया कि नहीं निकला, बस ये देखना है डिफरेंट कितना का, 10 का है। तो 10 का डिफरेंट देखें सीधा इधर 10 घसक जाना सब में, ठीक है, सब में 10 घसका देना, क्लियर हो गया। बाकी जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है हम लोग के पास में CF है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये CF आखिर में है तो है कैसे, हम पकड़े कैसे CF है, बस याद रखिएगा मोर देन हो या लेस देन हो, मोर देन लेस देन हो हमेशा CF होता है, उससे F निकालो। पहले F निकालने का शॉर्टकट मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हमेशा हम लोग का लेस देन में यहाँ पे छोटा होगा ऊपर साइड में, ठीक है, और मोर देन में नीचे साइड में होगा, ठीक। छोटा में से क्या करेंगे, बड़ा को माइनस करते हुए चले जाएंगे, ठीक। 5 को लिख दिए पहले, अब 17 में से 5 को लेस कर देंगे, क्या बचेगा, 12। 31 में से 17 को लेस कर देंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, ठीक है, क्या बचेगा, 14। आगे 41 में से 31 को लेस करेंगे, 10। 49 में से 41 को लेस करेंगे, 8। और 50 में से 49 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ये हम लोग का F, ठीक है। अब बात होगा कि आखिर में ये F आया कैसे, इस टाइप से इसका कंसेप्ट क्या था, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट तो सीख लेंगे, छोटा वैल्यू उठाना है, पुट आउट कर दे रहा हूँ, उसके बाद बड़ा से माइनस करते हुए चले जाना। देखिए ये डेटा हम लोग के पास में, ठीक है, डेटा में क्या आया कि 10 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक। क्या बोला है कि 10 से कम मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 5, मतलब 10 से कम कहाँ तक है, 0 तक, ठीक है। 0 से लेके 9 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो थे वो कितने थे, 5। उसके बाद क्या बोला था, 20 से कम मार्क्स लाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट, 20 से कम, यहाँ से लेके यहाँ तक से कम, मतलब जहाँ तक अंतिम पॉइंट है, कितने स्टूडेंट है, 17। अब देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट पता चलेगा कितना है, 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट नहीं पता चलेगा, 17 में से यहाँ से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 12 बचेगा, नहीं बचेगा, सो बताइए। उसी प्रकार से बोला 30 से कम मार्क्स लाने वाले टोटल कितना स्टूडेंट है, 31, ठीक है। अब देखिए आपको 20 से कम मार्क्स लाने वाला टोटल स्टूडेंट पता चल गया कितना है, 17। तो 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट हो गए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 14 स्टूडेंट, ठीक है। उसी प्रकार बोला 40 से कम मार्क्स लाने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 41। तो 40 से कम मतलब 0 तक, यहाँ पे यही बात आ रहा है कि 40 से कम 0 तक, तो 30 से लेके 0 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितना थे, 31। तो 30 से 40 के बीच लाने वाले क्या हो जाएंगे, माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार बोला 50 से कम मार्क्स लाने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 49। आपको पता चल गया 40 से 0 तक लाने वाले कितना है, 41। बाकी अब 40 से 50 कितना आ जाएगा, 8। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा,
50, इसको माइनस कर दें क्या आ जाएगा 1। क्लियर हुआ कैसा कंसेप्ट काम किया? लेकिन ये कंसेप्ट आपको शो नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है? बस आप इसको देखिए, इसको पकड़ के आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? क्लास भी निकल गया, एफ भी निकल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट मेथड ही बनाते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट स्टेप डिविजन जो बनाना है वो बना सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ए फॉर्मूला है ना। एक्स निकाले, दोनों का ऐड करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 30, 15, 10 का डिफरेंस है, 10 ऐड करते चले जाए 25, 35, 45, 55, ठीक है? अब यहाँ पे निकालेंगे डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए, ए इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं, कोई नंबर एज्यूम कर लिए, चलिए 25 ही हम एज्यूम कर लिए, ठीक है? माइनस करेंगे तो माइनस 20, क्योंकि एक्स माइनस ए होता है ना, माइनस 10, 0, 10, 20 और 30। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब क्या करेंगे, एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से, कितना हो जाएगा, माइनस 100, माइनस 120, 0, 100, 160 और 30। क्लियर है यहाँ पे? अब इसको ऐड करेंगे, समेशन एफ डी एक्स इक्वल टू, प्लस वाले का ऐड कीजिए 290 हो जाएगा, माइनस वाले का ऐड कर देंगे तो 220, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 70 बच जाएगा। समेशन एफ कर दीजिए, एफ को अगर ऐड करते देखिए तो 7, 11, 11 एंड 20, 0 कैरी 2, 50 आ गया। फॉर्मूला जो है उसको पुट आउट कीजिए, क्या है, ए ए इक्वल टू कितना ज़ूम किया 25 प्लस एफ डी एक्स इक्वल टू कितना है 70 डिवाइड बाय 50, कैंसिल हो गया 0 0, 1 टाइम में 2 बचेगा 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 1.6 4 इक्वल टू 26.4, ए हो गया आपका आंसर। क्लियर हो यहाँ पे? आप लेस दैन का क्वेश्चन देगा, लेस दैन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना यहाँ पे अच्छे से सीखिए, क्योंकि यहाँ पे सीखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आपका मीडियन और मोड में भी आएगा, ठीक है? और आगे हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छे से भी सॉल्व कीजिए इसको। चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है? देखिए 6 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कैलकुलेट करना अर्थमेटिक मीन ए डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है? अब एक ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, कैसे, अभी लेस देन करवाएं, अब क्या है मोर देन, क्या बोल रहा है, मोर देन से अधिक, से अधिक, कितना से अधिक, 10 से अधिक, 25 से अधिक, 40 से अधिक, 55 से अधिक, अधिक जाना है, ठीक है? अधिक लेके चले जाना है, ठीक है? तो क्लास कैसे निकालेंगे, कितना से अधिक बोला, 10 से अधिक, कितना का डिफरेंस है 15 का, 15 अधिक लेके चले जाना, 25 हो गया, 25 से अधिक, 25 से अधिक, से अधिक कितना का डिफरेंट है 15 का, कितना ले लिए 40 हो गया, उसके बाद 40 से अधिक कितना, 15 चले जाना है, कितना हो जाएगा 55, फिर 55 से अधिक, 55 से अधिक 15 ले लेना है, कितना हो जाएगा 70, फिर बोला 70 से अधिक, 70 से अधिक कितना लेना है 15, कितना हो गया 85, आगे बोला 85 से अधिक, कितना का डिफरेंट था हर जगह 15 का, ले लीजिए 15, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। एफ निकालना, एफ कैसे निकालना, बस वही कंसेप्ट शॉर्ट वाला अपना है, जो छोटा है माइनस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? 1 है 1, 4 में से 1 चला गया 3, 30 में से 4 चला गया 26, 74 में से 30 चला गया 44, 94 में से 74 चला गया 20, 100 में से 6। क्लियर हो गया? बाकी कैसे, तो आप लेस देन के जैसा मोर देन बढ़ते हुए चले जाइएगा, ठीक है? आपका निकल जाएगा। अब क्या हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व किस मेथड से करें, चलो भाई शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, आप लोग भी निकालिए एक्स, उसके बाद क्या निकालेंगे डी एक्स, आप लोग भी निकालिए डी एक्स, एक्स माइनस ए, उसके बाद में क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ डी एक्स, इतना कुछ आप लोग भी निकालिए, हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम एक्स भी निकाल लिए, डी एक्स भी निकाल लिए और एफ डी एक्स भी निकाल लिए, ठीक है? ये तो आपको आता है एक्स कैसे निकालना, डी एक्स कैसे निकालना और एफ डी एक्स कैसे निकालना, ठीक है? ए इक्वल टू हम एज्यूम कर लिए 47.4,
फाइव एज्यूम करके चल रही है, ठीक है। अब जो फार्मूला है फार्मूला पे पुट आउट कर देते हैं। देखिए सब कुछ इसको ऐड वगैरह करके भी हम दिखा दिए। ए इक्वल टू कितना है 47.5 प्लस एफ डी एक्स इक्वल टू 45 डिवाइड बाय सिग्मा एफ इक्वल टू 100 से डिवाइड कर दीजिए। 47.5 डिवाइड कर देंगे 0.45 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा 47.95। ए हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। बेसिकली यहाँ पे एक ही चीज़ सीखना था, क्लास कैसे निकालना, क्लास निकल गया, बाकी आगे का स्टेप आप लोग को आता है, चाहे आप शॉर्टकट मेथड अपनाइए, स्टेप डिवीजन या फिर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कुछ नहीं, बस यहाँ पे 10 से कम और 25 से अधिक, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्लास निकालना है, क्लास आखिर में कैसे निकलेगा, इसको बस क्लास निकाल देंगे हम, बाकी सॉल्व कीजिएगा आप लोग। देखिए क्या बोला, 10 से कम कहाँ तक कम चला जाना, डिफरेंट कितना का 5 का, 5 तक कम आ जाइए, ठीक है। बाकी ये तो क्लास दिया हुआ ना, हाँ 10 से 15 15 से 20 20 से 25 यहाँ तक क्लास दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बोला 25 से अधिक कितना चला जाना है, डिफरेंट कितना का है 5 का है ना, क्लियर है। बाकी ये जो है एफ है ना कि हम लोग का सी एफ है, ठीक है। 5 7 3 5 4 क्योंकि एक सिंगल डिजिट बोला था 10 से कम जो मार्क्स लाने वाले 500 स्टूडेंट है, और बोला 25 से अधिक कहाँ तक वो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे पता चल गया था कितना का डिफरेंट था, सॉरी यहाँ पे 30 हो जाएगा ना 30, तो 30 तक लाने वाला 4 स्टूडेंट था, ठीक है। बाकी इसमें कोई हम लोग का सी एफ नहीं, क्लियर है, बाकी इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। ये टेबल आपको मीन फाइंड आउट करना, क्या बोला है यहाँ पे मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू मीन्स एक्स, आपके पास क्या दिया हुआ एफ, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो क्वेश्चन, डायरेक्ट बना दीजिए आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिड वैल्यू का क्वेश्चन मीडियन और मोड में कैसे करना वो चीज़ अभी से सीखते जाना, ठीक है। मिड वैल्यू से पहले हम लोग क्या निकालना है, क्लास निकालना है। मिड वैल्यू जब दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि क्लास निकालना है, ठीक है। क्लास कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास में क्लास होता था 0 से 10 10 से 20, तो एक्स कैसे निकालते थे, दोनों का ऐड करते थे, 2 से डिवाइड कर देते थे, क्या आता था 5, ऐड कर लिए 15। अब आपके पास में बस यही चीज़ है, ठीक है, एक्स मतलब मिड वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्लास कैसे निकलेगा, आप क्लास सोचिए ज़रा। देखिए तो क्या करें कि डिफरेंस कितना का है 10 का, डिवाइड कितना से कर देते 2 से, कितना आ जाएगा 5, इस 5 में से पहले 5 को लेस कर देंगे उसके बाद ऐड कर देंगे, 5 में से 5 को लेस किए पहले 0, 5 में से 5 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10, फिर देखिए इस 5 को इसमें पहले लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 10, ऐड कर देंगे 20। क्या यही क्लास था हम लोग के पास में, क्या करना है डिफरेंट लेना, पहले डिफरेंट आखिर में कितना का है, डिफरेंट देखिए तो 10 का है, डिवाइड कितना से मार देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 5 आ गया, पहले 5 में से 5 को लेस उसके बाद ऐड, 5 में से 5 को लेस कर देंगे 0, ऐड कर देंगे 10, 15 में से 5 को लेस करेंगे 10, ऐड कर देंगे 20, देखिए ध्यान से यहाँ पे भी लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, ऐड कर देंगे तो 30, लेस करेंगे तो 30, ऐड करेंगे तो 40, लेस करेंगे तो 40, ऐड करेंगे तो 50, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 10 15 12 और 5। अब आगे आप लोग से सॉल्व होगा या फिर आप ऐसे ही भी सॉल्व कर दीजिएगा फिर भी आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है एक्स, और एक्स निकालिएगा तो यही वैल्यू आ जाएगा 5 15 25 35, देख लीजिए आप निकाल के, ठीक है। तो आप किसी भी तरह सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन आप जब मीडियन और मोड बनाइएगा तो आपको ऐसे कर लेना पड़ेगा अरेंज, ठीक है, वही अरेंज करके मैं यहाँ पर बता दी, क्लियर है, बाकी इसको आप सॉल्व कीजिए आगे। चलिए आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, द मीन इज बीइंग 19 यूनिट्स, आपके पास में मीन दिया हुआ है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। देखिए एक क्लास है एनयूटी दिया हुआ, ठीक, क्लास ए एफ मान लेते हैं, ठीक है, ये एफ ही है मान क्या लेंगे,
यहाँ पे ये मिसिंग है, ये पता नहीं इसका वैल्यू क्या, आपको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं क्लास, लिखेंगे कितना है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास में है 2 2, इसको एफ मान लीजिए, 4 4। ठीक, अब आगे का प्रोसेस कैसे करें हम लोग, आगे जैसे प्रोसेस था वैसे निकालिए। यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, उसके बाद में डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद में एफ डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7.5, 5 का डिफरेंट है, लिख चले जाइए 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, एक्स आ गया। डी एक्स निकालना, डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए, ए क्या एज्यूम कर लिए, कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लिए, चलिए 17.5 एज्यूम कर लिए, माइनस यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10, माइनस 5, 0, 5 और 10 आ गया। ठीक, एफ डी एक्स है, इंटू कीजिए कितना हो जाएगा, माइनस 20, माइनस 10, 0, बाकी यहाँ पे इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये 20 और यहाँ पे 40। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का आ गया। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे सिग्मा एफ आ जाएगा कुछ वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एंड 12, 12 प्लस एफ होगा, एफ वेरिएबल है, बाकी सब नंबर है, नंबर नंबर के साथ में ऐड हो गया, वेरिएबल अपना अलग ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 60 प्लस वाला हो गया, माइनस वाला 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। क्लियर है, अब फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ए का वैल्यू 17.5 था ना, प्लस एफ डी एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, 30, डिवाइड बाय एफ कितना, 12 प्लस एफ। ठीक है, और यहाँ पे मीन इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था 19। क्लियर हुआ यहाँ पे, बाकी अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे इस 19 में से माइनस कर देंगे 17.5, प्लस में था माइनस में आ गया, इक्वल टू 30 बाय 12 प्लस एफ हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए 19 में से 17.5, 1.5 बचेगा, इक्वल टू 30 डिवाइड बाय, ये इधर ऊपर अपना है, 12 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 में से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 प्लस एफ को, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। देखिए तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा आपके पास में 180, मतलब 18 आ जाएगा, प्लस में 1.55 इक्वल टू 30, 1.5 इक्वल टू 30 इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू 1.5 इक्वल टू क्या बचेगा, 12, और एफ इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट खत्म, 0 कितना बार, 8 टाइम, एफ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 80 आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट मेथड भी यूज कर लीजिए, उससे भी बना के एक बार देख लीजिए 8 आता है कि नहीं आता। बाकी आपको जब आंसर वेरीफाई करना है तो क्या करना है, यहाँ पे एफ के जगह पे 8 पुट आउट कर देना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 19 आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आया तो आपका गलत है फिर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। देखिए अब एक यहाँ पे बच जाता है डबल मिसिंग, डबल मिसिंग यहाँ पे बतलाएंगे नहीं, यहाँ बतलाएंगे तो क्लास हम लोग का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डबल मिसिंग के लिए मीडियन और मोड में सीखेंगे। ठीक है, वैसे डबल मिसिंग का क्वेश्चन आता ही नहीं है। देखिए अब हम लोग का दो टॉपिक बचा हुआ है, वो दो टॉपिक है, एक है कंबाइंड मीन और दूसरा है करेक्ट मीन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बचा हुआ है, और दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे क्वेश्चंस नंबर 10 और क्वेश्चंस नंबर 11 में। ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं कंबाइंड मीन क्या है। कंबाइंड मीन मीन्स क्या है कि आपके पास में 2-4 मीन दिया हुआ है। ठीक है, उसको आपको निकालना है, आपके पास में मीन निकाल के 2-4 वैल्यू का दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसको कंबाइंड करके अब उसका कंबाइंड कर देना है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड मीन। देखिए कंबाइंड मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान के चलिए 2-4 मीन दिया हुआ, मीन 1 इंटू एन 1 प्लस मीन 2 इंटू एन 2 प्लस मीन 3 इंटू एन 3 इंटू, अब लिखिए या ना लिखिए, इंटू तो हो ही जाता है,
10, आगे और भी इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए कंबाइंड मीन सीख लें। कंबाइंड मीन मीन्स क्या है कि दो चार मीन आपके पास में कंबाइंड करके दिया रहेगा, उसको कंबाइंड निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कंबाइंड मीन का फॉर्मूला वहाँ था, अब एक क्वेश्चन सा क्वेश्चन सॉल्व करते, क्या बोलता है, द मीन ऑफ द थ्री सैंपल ऑफ साइज, साइज मतलब एन है 100, 150, 250, और इसका मीन जो है कितना, 15, 25 और 30 रिस्पेक्टली, फाइंड आउट द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंबाइंड मीन निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का गिवन है, मीन वन इक्वल टू कितना है 15, मीन टू इक्वल टू हम लोग के पास में 25, और मीन थ्री इक्वल टू है 30, ठीक है। एंड वन इक्वल टू था 100, एंड टू इक्वल टू है 150, और एंड थ्री इक्वल टू है 250, क्लियर हुआ। कंबाइंड में निकालना फॉर्मूला आपके पास में, पुट आउट कीजिए, क्या पहले मीन वन इंटू एन वन, मीन वन का वैल्यू कितना है 15, इंटू एन वन का वैल्यू 100, प्लस मीन टू इंटू एन टू, एन टू मीन टू क्या है 25, इंटू एन टू का वैल्यू 150, प्लस मीन थ्री, मीन थ्री कितना 30, इंटू एन थ्री, एन थ्री का वैल्यू 250, डिवाइड बाय एन वन एन टू एन थ्री, एन वन का वैल्यू 100, एन टू का वैल्यू 150, एन थ्री का वैल्यू 250, क्लियर है। इंटू करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500 आ जाएगा, बाकी इसको इंटू कीजिएगा, इसको इंटू करने पर 3750 आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटू कीजिए 7500 आपका आ गया, डिवाइड में 500, अब इसको ऐड कीजिए, ऐड कर दीजिए तीनों को, कितना आ जाता है, इसको भी साथ में ऐड कर लीजिए 12750 डिवाइड बाय 500, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बाकी जीरो बदले यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे डिवाइड कर लीजिएगा 25.5 आ जाएगा समथिंग, क्लियर है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये था कंबाइंड मीन, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग पास में करेक्ट मीन, करेक्ट मीन मीन्स क्या है कि आपके पास में एक मीन दिया हुआ जो गलत है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सही करना, जो गलत मीन है उसको क्या करना है, सही करना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू मीन माइनस इन करेक्ट प्लस करेक्ट, या फिर आप पहले भी प्लस कर सकते हैं करेक्ट को, ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन छूट गया था, क्लियर हुआ। यहाँ पे इसी के बेस पे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना। देखिए क्या बोलता है, मीन वैल्यू ऑफ वीकली इनकम ऑफ 40 फैमिलीज इज 2280। देखिए क्या क्या गिवन है, 40 फैमिली है मतलब एन कितना है 40 है, और इसका मीन कितना है, वीकली इनकम जो है 280 है। आगे क्या बोलता है देखिए, बट आफ्टर कैलकुलेशन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इनकम ऑफ वन फैमिली वॉज रीड एज 151। गलती से एक फैमिली का इनकम 151 रीड कर लिया गया था, जबकि एक्चुअली कितना था 351 था, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो था 151, करेक्ट, करेक्ट जो आपके पास में है 351 है, ठीक है। फॉर्मूला पे पुट आउट कीजिए, देखिए क्या था, n इंटू एक्स, एन का वैल्यू क्या है 40, इंटू एक्स का वैल्यू कितना, मतलब मीन का वैल्यू कितना 280, माइनस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितना 151, प्लस करेक्ट कितना 351 डिवाइड बाय एन, एन का वैल्यू कितना 40। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इंटू कर लीजिए, प्लस माइनस करके जो भी आ जाएगा आंसर डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये आपका आंसर आ गया 285, ठीक है। अब इस टाइप के जितने भी मीन का क्वेश्चन आपके पास में, मीन टोटल कंप्लीट हो गया, मीन का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास से मीडियम हम लोग देखेंगे।